से तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी की गई है ग्रामीणों की तरफ से। ये अभी की तस्वीर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है। सुबह से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण थे, वो वहां पर इकट्ठे हो गए थे। पुलिस को नियंत्रण करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो आपे से भार हुआ भीड़ का गुस्सा, उनके सब्र का बांध टूटा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक क्यों चल रहा है, वो क्यों खत्म नहीं हो रहा, इस बात को लेकर ग्रामीण गुस्से में थे। अपना जो गुस्सा है, अपना आक्रोश वो जाहिर कर रहे थे। और रजनीश कुछ कह रहे हैं, और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। तमाम सारे जो लोग हैं वहां पे इसमें भागा भागी है। प्रशासन ने जब यहाँ पे भीड़ को टैकल करने की कोशिश की तो दूसरे ओर से स्थानीय जो लोग हैं उनकी ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, और इसको लेकर कई जो लोग हैं उन्हें चोटें आई हैं। और यहाँ पे अब लोगों को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम थी इस बोगी के ऊपर में, वो ट्रेन के आर में जगह वो ले लिए हैं, तो काफी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा उन्हें। और अब एनडीआरएफ जो है वो कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पे एक जो व्यक्ति है उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। अब राहत और यहाँ पे बचाव के लिए, यहाँ पे देखिए इनके सर पे पत्थर लगी है और सर फूट गया है इन्हें। एनडीआरएफ की टीम इन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रही है, तो काफी मुश्किल स्थिति का सामना यहाँ पे करना पड़ा प्रशासन को। और इस कड़ी में यहाँ पे जमकर पत्थरबाजी हुई है। अब प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पे वो दूर तक, हालांकि जो भीड़ है उन्हें हटाने की कोशिश में, और इस बीच में दूसरे ओर से भी यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, पुलिस प्रशासन को, और पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। कई लोगों के सर फट गए हैं इस पत्थरबाजी में, और तमाम सारे जो लोग थे एनडीआरएफ के वो यहाँ पे अब जगह ले लिए हैं ट्रेन की आर में, और उन्हें मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि एनडीआरएफ ने बहुत ही बेहतर काम किया है यहाँ पे राहत और बचाव को लेकर, लेकिन यहाँ पे स्थानीय जो लोग इस बोगी को सीधा करके सर्च ऑपरेशन चलाना है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। कैमरामैन निशांत रंजन के साथ रजनीश, जी मीडिया, सहदेव बुजुर्ग, हाजी। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू की, कुछ लोगों को चोट भी आई है, लेकिन एनडीआरएफ वहां पर हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम भी दिया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, बेहद सराहनीय है। वहां के स्थानीय लोग भी इस बात की सराहना कर चुके हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि जो डब्बा है वो सीधा नहीं हो पाया है, उसमें जो लोग फंसे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, वो जांच करना बहुत जरूरी है, कहीं कोई रह तो नहीं गया। इसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी बना हुआ था कि सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ और इस वक्त अब 11 बजने को है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। और जैसे ही नियंत्रण पाने की कोशिश पुलिस ने वहां पर लोगों पर की, भीड़ से किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, और कैसे भीड़ को तितर बितर करना पड़ा उसके बाद, और जो रेस्क्यू टीम्स थी उन्हें भी वहां से थोड़ी देर के लिए हटना पड़ा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद शायद रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रेस्क्यू टीम्स पहुंची थी और कैसे मुश्किलों का सामना रेस्क्यू टीम्स को करना पड़ा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। आपको यह भी बता दें कि पहले जो घायलों की संख्या थी वो 11 हुई, फिर 26 हुई, और अब ये जानकारी है कि 29 लोग हैं जो इसमें घायल बताए जाते हैं। गंभीर रूप से घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिन्हें पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था। और ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमारे सहयोगी लगातार रजनीश वहां पर बने हैं और पल पल की सीधा तस्वीर वो हम तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको हम साझा कर सकें आपके साथ इन तस्वीरों को। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद सारी भीड़ वहां से भागी, वहां पर जो पुलिस बल तैनात थी उसने भीड़ को खदेड़ा, और खुद जो एनडीआरएफ की टीम थी उसे भी तितर बितर होना पड़ा। जो डब्बे हैं उनकी आड़ में उन्हें छिपना पड़ा, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी वहां से शुरू हो गई थी। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां अब ये करती हैं कि वहां के मौजूदा हालात क्या हैं। भीड़ वहां से पीछे हट चुकी है, और जो पुलिस बल है वो भी ये नहीं चाहते कि भीड़ वहां पर आगे आए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है। पहले सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन चूंकि पत्थरबाजी हो चुकी है तो बहुत सावधानी से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। एनडीआरएफ टीम पूरी सावधानी बरत रही है, बस अभी यह सुनिश्चित करना बाकी है, यह आखिरी चरण में है एक तरह से अगर कहें रेस्क्यू ऑपरेशन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो गैस कटर है वो नहीं आया और क्रेन के जरिए अभी तक डब्बों को सीधा नहीं किया जा सका, तो यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। इसलिए अभी इसे ऑफिशियली नहीं कह सकते कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। और ये देख रही, ये शख्स वहां पर मौजूद थे जिन्हें पत्थर लगा और जिनके सर से खून निकला, एनडीआरएफ की टीम उन्हें फर्स्ट एड दे रही थी, और इसी दौरान वहां
वहां पर जो पुलिस बल है उन्होंने जो लोग वहां पर खड़े थे उन्हें खदेड़ा, उन्हें पीछे किया ताकि ऐसी कोई हरकत फिर से भीड़ की तरफ से ना की जा सके।